हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि माइकल कोर्स स्मार्ट वॉच आपकी कनेक्ट नहीं हो रही आपके फ़ोन के साथ, तो फ्रेंड आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जो मैं सेटिंग बताऊंगा फ्रेंड वो आपको करना है। यहाँ पे हमारे एरर और बग्स आ जाते हैं फ्रेंड्स हमारे फ़ोन में और वॉच में, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ पे 100% आपका सॉल्यूशन हो जाएगा और आपकी जो वॉच कनेक्ट नहीं हो रही थी आपके फ़ोन से वो कनेक्ट हो जाएगी। जो स्टेप बता था उसको आप सिर्फ फॉलो कीजिए, 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों क्या करना है, आपको अपनी सेटिंग पे चले जाना है आपके फ़ोन की सेटिंग में, और यहाँ पे आपको ऐप मैनेजमेंट में जाना है। चलिए सेटिंग में जाने के बाद हमको स्क्रोल अप करना है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ऐप मैनेजमेंट में क्लिक करना है आपको, और उसके बाद आपको ऐप लिस्ट में जाना है। तो यहाँ ऐप लिस्ट दिख रही है आपको सामने, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे लोडिंग होता है और सिस्टम ऐप में जाना है फ्रेंड्स। यहाँ पे जब भी जाओगे तो आप कोई दूसरा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ओप्पो वीवो सैमसंग कोई दूसरा फ्रेंड्स, वहाँ पे सिस्टम ऐप होता है उस पर आपको जाना है। अपने सिस्टम ऐप में जाने के बाद ही आपको फ्रेंड करना है सेटिंग जो बताऊँगा। तो सिस्टम ऐप में जाने के बाद आपको बी के लिस्ट में आना है। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ दिखेगा फ्रेंड्स, बी के लिस्ट में ब्लूटूथ, और इसको क्लिक करके इसका स्टोरेज यूसेज में क्लिक करना है, क्लियर डाटा कर लेना है। तो क्लियर ऐप डाटा इसका कर लेना आप, उसको आप बैक आ जाना है और आपको स्क्रोल अप करना है और यहाँ पे ई के लिस्ट में आना है। यहाँ पे आपको ई के लिस्ट में इंजीनियर नेटवर्क करके एक ऐप दिखता है, इस पर क्लिक करना है और इसके स्टोरेज यूसेज पे क्लिक करना है। इसका भी आपको क्लियर ऐप डाटा करना है फ्रेंड, जितने भी हमारे ये जो नेटवर्क के ऐप है उसका क्लियर डाटा करना है। और अब आपको एन के लिस्ट में जाना है फ्रेंड्स आपको फ्रेंड्स आपको देखिए एम के लिस्ट में जाने के बाद इधर माइकल कोर एसएस दिख रहा है, इसको भी क्लियर ऐप डाटा कर लेना हमारे वॉच के ऐप को, और इसके बैटरी यूसेज पे क्लिक करना है, और इसका अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी, अलाउ ऑटो लंच आपको ज़रूर करना। अगर आप ये नहीं करते तो आपका बार बार डिसकनेक्ट हो जाती है वॉच, तो ज़रूर से आपको उसको फ्रेंड्स ऑन करना है। और आपका जो स्मार्ट वॉच में नोटिफिकेशन आती है फ्रेंड्स, अगर ये ऑफ़ है, अगर स्क्रीन आपकी जो मोबाइल की ऑफ करके रखते हो, बैकग्राउंड में ऐप रन नहीं होगा, तो आपका बार बार फ्रेंड्स नोटिफिकेशन नहीं आएगी और बार बार डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम आएगा, डिसकनेक्ट होगा, कोई डाटा है वो फ्रेंड आपके वॉच पे सेंड नहीं हो पाएगा फ़ोन से, फ़ोन से जो डाटा जाता है फ्रेंड वॉच पे वो नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको बैकग्राउंड और ऑटो लंच ज़रूर से ऑन करना है, इनेबल करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जितनी भी परमिशन है इसकी आपको अलाउ कर देना, सारी की सारी परमिशन इसको दे देनी है, तो हमारी वॉच सही से काम कर सके। अलाउ ऑल द टाइम कभी भी आपको रखना है स्मार्ट वॉच में फ्रेंड्स परमिशन। और इसके बाद आपको स्क्रॉल अप करना है, इधर एन की लिस्ट में आना है। यहाँ पे नेटवर्क हेल्थ सर्विस दिखेगा, इसके स्टोरेज पे क्लिक करके क्लियर कैच करना है इसका फ्रेंड्स। अगर आप कोई दूसरा फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो इधर फ्रेंड्स नेटवर्क का नाम चेंज हो सकता है, नेटवर्क हेल्थ सर्विस है पर उसके नेटवर्क के आगे कुछ और लगा होगा, तो देख लेना। नेटवर्क जितने भी ऐप होगी नेटवर्क लिखा होगा सबका आपको क्लियर डाटा कर लेना, क्लियर कैच कर लेना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको वायरलेस सेटिंग ऐप पर आना है, इसका भी नाम चेंज हो सकता है दूसरे फ़ोन में, तो वायरलेस ज़रूर लिखा होगा, इसका भी क्लियर डाटा कर लेना। तो मैंने आपको जैसा बताया वैसा आपको करना है। अब बैक आना है सेटिंग के होम पेज पे आना है और यहाँ सर्च करना है आपको सर्च बार में रीसेट नेटवर्क सेटिंग, तो यहाँ पे आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग सर्च करना है। तो जैसा मैं आपको बताता हूँ वैसा आप सेटिंग करते हो, 100% आपकी जो वॉच कनेक्ट नहीं हो रही थी वो कनेक्ट हो जाएगी और आपकी जो डिसकनेक्ट का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व होगा फ्रेंड्स। यहाँ आप देखिए रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करना है, पासवर्ड मांगता है वो सब आपको देना है, और रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे एक और बार क्लिक करना है, यहाँ हमारा रीसेटिंग हो रहा है। तो फ्रेंड यहाँ हमारा रीसेटिंग हो जाएगा, तो आपको लिख के आ जाएगा देखिए ऐसा नेटवर्क रीसेट कम्प्लीटेड फ्रेंड्स। अब जो भी हमारा एरर था फ़ोन के अंदर सब रिमूव हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ अपने फ़ोन में प्ले स्टोर पर जाना है और अपडेट चेक करना है, अपने ऐप का अपडेट आया है तो फ्रेंड 2 से 3 महीने में उसका अपडेट आते रहता है। इसके लिए आपको अपडेट रखना है अपने ऐप को, कभी भी अपडेट चेक कर लेना है, और आपके फ़ोन का सिस्टम अपडेट भी चेक करना है, क्योंकि फ्रेंड जब भी सिस्टम ऐप अपडेट करते हो आप तो आपका ब्लूटूथ का वर्जन भी अपडेट होता है और कनेक्टिविटी में फ्रेंड्स इंप्रूवमेंट होता है, तो आपको ज़रूर से देखना है। और उसके बाद फ्रेंड आपकी वॉच को रीसेट कर लेना, सेटिंग में जाके अपनी वॉच को भी रीसेट कर लेना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपके जब भी जितनी सेटिंग बताए वो सब करना है, और आपके फ़ोन को स्विच ऑफ करके एक बार स्विच ऑन करना है, और आपके ब्लूटूथ का ब्लूटूथ ऑन कर लेना, लोकेशन ऑन कर लेना, नेरबी डिवाइस ऑन करके उसके बाद आपको कनेक्ट करना है, 100% आपकी वॉच कनेक्ट हो जाएगी और जो प्रॉब्लम आई थी फ्रेंड्स सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों जितना सेटिंग बताया वो करना है आपको, 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों ये वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।